हाय स्टूडेंट्स, आमे गत क्लास रे केते उड़े समाधान करथिले प्रश्न एक्सरसाइज वन ए रे जोड़ी का सेथरे आमे ग्राफिकल मेथड रे आमे समाधान करथिले एवं परवर्ती वीडियो रे आमे प्रतिकर्पण प्रणाली बा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन व्यवहार करके आमे समाधान करथिले। आज आमे आउ गोटे भिन्न मेथड रे समाधान करिबा दुईटी समीकरण को। से मेथड टी हला मेथड ऑफ एलिमिनेशन बा अपसारण प्रणाली। पिले माने ये प्रणाली बहुत सहज के विशेष कष्ट नहीं, तुम्हें मन को भाराक्रांत करिवो नहीं, ठीक भल भाव स्टेप गुड को देख मार्क कर देखियो तुमको अंक गुड़िक बहुत सहज लगे, तुम्हें आराम से अंक कर पार एवं तुम जदि किसी डाउट हो तुम्हें मत जेको समय फोन कर पार कि मत मेसेज कर पार कि कमेंट बक्स लिखी जनइले मुझ तुमको तार वीडियो गुड़ा करमी समाधान कर बुझे तुमको दे पारि। एबे आसिया पिला माने आ समय नष्ट करियाने आमे आसीबा क्वेश्चन नंबर टू जोटा एक्सरसाइज वन बी रे अछि ताको अपसारण प्रणाली ले समाधान कर। अपसारण प्रणाली ले समाधान कर से अंक गुड़िक आमे समाधान करिबा। अपसारण प्रणाली रे समाधान कर तो ये आमे समाधान कर परिया किभळी अपसारण प्रणाली आमे व्यवहार करिया सेटा को आमे सिखिबा जानिबा। एवं दुईटी इक्वेशन देचे एक्सरसाइज टू रो एक्सरसाइज वन बी रो क्वेश्चन नंबर टू देचे अपसारण प्रणाली समाधान कर जोटे कहे फास्ट बीट अच्छी एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वाल टू जीरो थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस टेन इक्वाल टू जीरो आम समाधान करवा आशा पे समाधान करवा। प्रथम ये समाधान कला कौन करवा देखा आम क्या अपसारण करवा प्रथम भाव आम क्या अपसारण करवा जहाँ अपसारण करवा तार उभयर समीकरण तार सहग समान होबा दरकार। तेणु आमे देखिबा को अपसारण जो समान करिया को किसी गुणागुणी हो पारे तेणु आमे देखिबा कौथिर आमको कम काम करिया पड़ो कम स्टेप करिया पड़ो से संख्या से अज्ञात राशि सहग को समान कले आमको सुविधाजनक हे और आम आराम कम समय भितर आम समाधान कर पारिया। देख पे जदि आम एक्स को ये सामान करवा ये अच्छे थ्री एक्स रग थ्री ये अच्छी सहग अच्छी वन तेणु प्रथम समीकरण अच्छी सहग वन द्वितीय समीकरण अच्छी सहग थ्री तेणु आम कौन करवा समीकरण एक तीन गुणी देखिए आम समाधान कर। किंबा जदि आम समी वाई को सरल करने चाहवा ये अच्छी माइनस टू ये अच्छी माइनस वन तेणु आम दुई समीकरण एक दुई गुणी दे चल तेणु आम कौन करवा तार जदि आम वाई को टार्गेट करते आम दुई गुण दे आमको बेटर हे तेल आम लिखा समीकरण एक रे एक रे दुई गुणी समीकरण दुई को दुई को वियोग कले वियोग कहीं कहली पे देख मन रख जदि उभय सेम साइन थिबो एटी देख माइनस वाई अच्छी ये माइनस वाई अच्छी सेम साइन अच्छी तेणु आम जोग कले से दुटा कटिबो नहीं तेणु आमको वियोग करिया पड़िबो। मन रख पे जो दुटा जदि सेम साइन थिबो उभय प्लस थिबो उभय माइनस थिबो ताले आमको वियोग करिया पड़िबो जदि गोटे प्लस थिबो अन्यटी माइनस थिबो ताले आमको वियोग जोग करदेले आम कटे दे पारिबा। तेणु मन रख पे उभय जदि सेम साइन थिबो उभय प्लस थिबो किंबा उभय माइनस थिबो सेठी आमे वियोग करिया पड़िबो। तो वर्तमान देखिया समीकरण एक रे दुई गुण दवा दुई गुण दे ये गला टू समीकरण लिखिद आमे बेटर हम समीकरण एक गुणन दुई ताले केते गला ताले समीकरण एक रे दुई गुण दे ये गला टू एक्स माइनस टू वाई पिला माने यही माइनस थ्री टाक दुई गुण दे माइनस सिक्स माइनस सिक्सटा को सेपट को नहीं चल प्लस सिक्स हो गला। देख पे ये जो थिला आमर एक्स प्लस वाई माइनस थ्री थिला सेपट को आम नहींगले प्लस थ्री हो तेणु आम ये माइनस सिक्सटा को आम सेपट को नहींगले जदि न जापार तेल आ गोटे स्टेप करदे भल हे ये है इक्वेशन तीन आ इक्वेशन दरकार नहीं ये आम सीधा काम कर। बर्तमान देख आम समीकरण दुई आज इज रखीदे ये है समीकरण दुई ये सेमती रहा थ्री एक्स माइनस टू वाई ये माइनस टेन टाक सेपट नहींगले प्लस टेन हो
ପିଲାମାନେ ମାର୍କ କର। ଏଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀଟା ସେପଟେ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଗୁଣିଲେ ସିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ହେଇଗଲା, ଆର ପଟକୁ ନେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, ବିୟୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ବିୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଯିବ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବିୟୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଯିବ। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଥିଲା, ଏଠି ହେଲା ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ଥିଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଟେନ୍। ଦେଖ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବ ତାହେଲେ ଅଙ୍କଟି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ, ଏ କଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଇନ୍କୁ ଦେଖିବା, ତଳ ସାଇନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ନୁହଁ। ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ କଟିଗଲା, ଇଏ ଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ଏଇ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପିଲା ଦେଖ, ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ଏଇ ସାଇନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍। ତ ଆମେ ପାଇଗଲେ କେତେ ନା, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଚାରି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ଏକ୍ସର ମାନକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମୀକରଣରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତ କେଉଁ ସମୀକରଣରେ, ସମୀକରଣ ୱାନ୍ରେ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମୀକରଣ ଦୁଇରେ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କଲେ ବି ଚଳିବ। ତା ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି କଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ସମୀକରଣ ଏକରେ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଗୁଣାଗୁଣି କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସମୀକରଣ ଏକରେ ଏକ୍ସର ମାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଦେଖ, ସମୀକରଣ ଏକ କ'ଣ ଅଛି ଆଗେ ଲେଖିଦେବା, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତ କାହାର ମୂଲ୍ୟ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବସିବା, ଚାରି ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ଏଠି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା, ତ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ଅତଏ ଏକ୍ସର ମାନ ଚାରି ଓ ୱାଇର ମାନ ଏକ। ତ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଇଏ ବି ସହଜ, ଇଏ ଏଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ଠାରୁ ଏ ଅପସାରଣ ପଡ଼ୁଛି, ବା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼େ, ଅପସାରଣ ବି ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆମ ବଜ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବେଶୀ ଆସେ, ତ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲା ତା'ର ସମାଧାନ ପିଲାମାନେ, ଆର ଏକ୍ସର ମାନ ହେଲା ଚାରି, ୱାଇର ମାନ ହେଲା ଏକ। ଇଏ ହେଲା ସମୀକରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍, ଦୁଇ ନମ୍ବରର ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍। ଏଗେନ୍ ଆସିବା ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବରର ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ କରିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବରର ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍କୁ ଆସିବା, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ସେଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଛି। ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍, ଦେଖ ଏଠି ଡାହାଣ ପଟରେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଆମକୁ ଭଲ ହେଲା, ଏଟାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଦେଇପାରିବା। ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ତୁମ ପାଇଁ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ରଖିଲେ ଯେ ହେବ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେବାଟି ରଖିକି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଭଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ କାହାକୁ ଅପସାରଣ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସକୁ ଅପସାରଣ କରନ୍ତି ସମୀକରଣ ଦୁଇରେ ତିନି ଗୁଣିବା ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ହେବ, ଏବଂ ସମୀକରଣ ଏକରେ ଟୁ ଗୁଣିଲେ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ହେବ, ତାହେଲେ ଉଭୟରେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯଦି ୱାଇକୁ ଆମେ ସମାନ କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଫୋର୍ ଅଛି, ଏଠି ଟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଟୁ ଗୁଣିଦେଲେ ଫୋର୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଟର୍ ହେବ ୱାଇକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ୱାଇକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାନ ସହଗ ସମାନ କରିବା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ, କମ୍ ଗୁଣାଗୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସେଇ କଥା, ସମୀକରଣ ଦୁଇରେ, ସମୀକରଣ ଦୁଇରେ ଦୁଇ ଗୁଣି, ଦେଖ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଥିବ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ କଟିଯିବ, ଗୁଣି ସମୀକରଣ ଏକ ସହ ଯୋଗ କଲେ, ଦେଖ ଏଠି ଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଛି, ଯୋଗ କଲେ ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ବିୟୋଗ କଲେ ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ବ ଅଙ୍କରେ ଯେମିତି କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ସମୀକରଣ ଏକଟା ରଖିଦେବା,
समीकरण एक आज इट इज रहा के थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन। समीकरण दुई रे आम कौन कले समीकरण दुई रे केते गुणी दुई गुणी तो गुणीदे के फोर एक्स ये गला फोर वाई इज इक्वल टू दुई गुणीदे ये गला फोर। बर्तमान आम जोग करवा तो जोग कले साइन किसी चेंज हम नहीं सो सरी पे ये माइनस टू वाई थी ये माइनस टू वाई सरी तो प्लस फोर वाई माइनस फोर वाई कटिगला जोग करदे ये थ्री एक्स प्लस फोर एक्स है सेवेन एक्स सेवेन एक्स दस प्लस चार है चौदह तो एक्स इक्वल टू फोर्टीन बै सेवेन इज इज टू आम कटाकटी कर सत के सात सात दुणे चौदह सो आंसर होगा टू तो एक्स मान हो गला टू। देख के सहज पे मैंने तुम आराम कर तो एक्स मान है टू तेल समीकरण एक रे कौटी बसवा समीकरण एक रे बसई पारती कि दुई रे बस जो बसइले हम समीकरण एक रे एक्स मान स्थापन कले समीकरण एकटा लिखिद थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन एवं दैट इम्प्लाइज एक्स मूल्य बस टू थ्री इंटू टू प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन। देख पाने एक्स मान दुई पाई ये एक्स मान को दुई बसईदे तो तीन दुणे होगा छ सो सिक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन दैट इम्प्लाइज फोर वाई इज इक्वल टू टेन ए सिक्सटा सेपट गलेगला माइनस सिक्स दिस इज इक्वल टू फोर सो दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू फोर बै फोर इज वन तो वाई रान होगा एक तो मन रख पाने एक्स जिते लब चारि हर चारि जदि उभय लब हर सामान थी तेल तार मान वन हम कि कटाकटी करपार न काटले भी चल तेणु वाई रान वन है तो एक्स मान टू है आम लिखा अत एक्स मान दुई और वाई रान एक अत एक्स मान दुई और वाई रान एक तो ये है तार पाने समाधान ये नहीं सेकेंड बिट। बर्तमान आम आउ गोटे बिट को आसवा फोर्थ बिट नवा देख विभिन्न प्रकार क्वेश्चन तुम करने चेष्टा करोटा कि तुम डाउट क्लियर हो पार एवं अन्य प्रॉब्लम जो खंडे दुई खंड छाड़ू कि तीन खंड छाड़ू तुम्हें से गुड़ी करपर तुम्हें कष्ट हेनी सहज हे तो से क्वेश्चन मुझे चूज कर तुम्हें जमी असुविधा न हो तुमने जमी असुविधा न पड़ से व्यवस्था मुझे चेष्टा कर तो एगेन आसवा आई भी फोर्थ बिट को आसवा तो जीरो पॉइंट फोर एट ये क्वेश्चन टा देख पे बहुत समय परीक्षा पड़ जा जीरो पॉइंट फोर एक्स माइनस वन पॉइंट फाइव वाई इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव ये इक्वेशन वन आम ताकि सरल करदे तापर आउ गोटे इक्वेशन दे देछि मु लिखि दो जेठी ठीक गार पके कि जीरो पॉइंट थ्री एक्स प्लस जीरो पॉइंट टू वाई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन। देख पाने ये पॉइंट अनुसार देछि तेणु आपको कौन करा जदि पॉइंट रखिकी समाधान करपरपर कि तुम्हें जदि पॉइंट गुणागुणी ठीक भाव करदे तुम असुविधा ना हो पार कि जदि सेमती न कर तुम सरल फर्म को नहीं जापार तो बर्तमान देख यही समीकरण टी के देख ये गला फोर बै टेन एक्स माइनस फिफ्टीन बै टेन वाई इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव बै टेन। देख पाने जो दशमिक थी ताको भग्नांश करदे बर्तमान ये देख लस आउ नहींगल टेन ये फोर एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव बै टेन। बर्तमान ये टेन टेन कटेदार दैट इम्प्लाइज फोर एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव दिस इज योर इक्वेशन वन यहीटा को बर्तमान इक्वेशन वन दबा तो ये जो इक्वेशन वन थिला सरल करके आम यहीटा को इक्वेशन वन देले बर्तमान आम दबा सेकेंड इक्वेशन देखा यहाँ है जीरो पॉइंट थ्री एक्स प्लस जीरो पॉइंट टू वाई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन तो यहाँ करपर से थ्री बै टेन एक्स प्लस टू बै वाई टू वाई बै टेन इक्वल टू नाइन बै टेन सो एट लस आउ नहीं टेन है थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू नाइन बै टेन एटी उभयर हर से एका जिनस अच्छी कटिगला तो आम पाइले थ्री एक्स प्लस टू वाई
इज इक्वल टू 9 ये है तुम इक्वेशन 2। बर्तमान देख फाइनाली तुम इक्वेशन 1-2 ये सरलीकृत फॉर्म रे पाइगल जोटा कि तुमको सुविधा हे ये अंकटा को समाधान करने बर्तमान आम देखा समीकरण 1 आउ समीकरण 2 एटी हर को कहार सहग आम सामान करवा देख पाने जदि एक्स रहग सामान करवा ये 4 अच्छे ये 3 अच्छी ये आमको 4 गुणिया पड़ो ये आपको 3 गुणिया पड़ो से वाई रहग जब सामान करवा ये -15 अच्छी 15 अच्छे ये 2 अच्छी ये 2 गुणिया पड़ो ये 15 गुणिया पड़ो तेणु आम बेटर हम कम संख्या गुणिया छोट छोट संख्या 4-3 को आम टार्गेट करवा मनकर आम कह समीकरण 1 आम के गुणवा 3 गुणवा समीकरण 2 आम 4 गुणवा तेल आउ कौन करवाठी जेहेतु उभय सेम साइन अच्छी ए प्लस अच्छी ए प्लस अच्छी तेल वियोग लिखा तेल समीकरण 1 मुझे लिखिदे समीकरण 1 गुणी ओ समीकरण 2 गुणी वियोग कले देख बर्तमान ये बर्तमान 4-3 गुणवा ये गुणी ये गुणला बेल टे भल भाव देख पे 3 गुणले ये 12x 3 गुणले ये -45 15-45 वाई 3 गुण देने 3 × 15 = 1 3 × 18 = 19 195 आउ सेकेंडा है 4 गुणवा 4 × 12x 4 गुणले +8y 4 गुणले 36 तो बर्तमान आम वियोग पे माइनस ए प्लसटा होगा माइनस ए प्लसटा होगा माइनस तो बर्तमान भलक देख पे जिते आम वियोग कर चिन्ह गुड़िक बदली जाऊँच प्लस थे माइनस होइनस प्लस होता देख +12y -12y एक्स कटिगला +12x -12x ताले ये रहिला -45y -8y 45 रे 8 मिसे देवा देट बोथ साइन अछि प्लस माइनस अछि तेन 8 × 5 = 13 = 53 -53y इज इक्वल टू एटा फेडी देवा फेडी देले इज 15 × 6 = 9 8 × 3 = 5 ये रहिला 1159 सो दैट इंप्लाइज y इक्वल टू 159 / -53 यटा को 3 कटिज मत लगुच 53 को काटदे 3 × 9 = 3 × 5 = 15 तो ये होगा -3 ताको हरीदे पे तुम वाई रूल्य -3 पाइव तो बेटर हम तुम हरीदेबा एवं कौ समीकरण बसवा समीकरण 1 / 2 बसा जो भी बसले हाँ तो समीकरण 2 बस आमको सुविधा हे समीकरण 2 छोट छोट फिगर अच्छी तेणु समीकरण 2 बसइले आम पाइबा के 3x +2y इज इक्वल टू 9 देख ये बड़ फिगर थिला 65 थिला 15 थिला आम ये छोट फिगर पाइले तेणु समीकरण 2 स्थापन कले तो 3 × x आम वाई पाई 3x +2 × y वाई इज योर -3 इज इक्वल टू 9 सो 3x -3 × 6 = 9 इक्वल टू 3x इक्वल टू 9 +6 ये -6 सेपट गले +6 15 ये जो प्लस माइनस को टे ध्यान दब पाने जहाँफल कि तुम प्रश्न उत्तर कला बेले भूल आसवनी तो कटाकटी पार 3 × 3 × 3 × 5 = 15 सब एक्स है 5 ताले अतएव एक्स मान 5 और वाई रान है -3 तो ये है उत्तर पे भल भाव टी ध्यान दि एवं तुम आपको सटिक समाधान करने चेष्टा कर ये थिला आई भी अच्छा बर्तमान आसवा भी को आस देख अपसारण प्रणाली आमर बहुत दरकार इवन तुम जो हायर क्लास हम से तुम अपसारण प्रणाली बेसी यूज हम तुम प्लस टू जितने मैथमेटिक्स पढ़ साइंस साइंस पढ़ मैथमेटिक्स रखिक पढ़ कि आर्ट्स रख मैथमेटिक्स रखिक पढ़ से तुम यपसारण प्रणाली बहुत दरकार आसो तेणु भल भाव फोकस कर पे
तो आराम रे अंक करपर एटी क्वेश्चन देखे भिन्न प्रकार देख पे रुट टू एक्स प्लस रुट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो इला इक्वेशन वन रुट फाइव एक्स प्लस रुट टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो प्रश्नटी पे ये प्रश्न को टे मार्क कर देख इटी जदि आम दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक घात समीकरण जो साधारण रूप फर्म को जीवा जोटा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वाल टू जीरो बर्तमान देख ये कौन अच्छी ए एक्स अच्छी प्लस बी वाई अच्छी सी ना तेणु जोटि सी ना अर्थात सी वन टा जीरो सी टू टा जीरो अच्छी से आखि बुझी पे लिखिदेव समाधान हूँ जीरो जीरो आर समाधान हूँ जीरो जीरो जो कौन से गोटे समीकरण थी एमती मन कर गोटे एग्जांपल मुझे कौच नाइन 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 एक्स प्लस वन थाउजेंड वन वाई इक्वल टू समथिंग से भाई वन थाउजेंड वन एक्स प्लस नाइन 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 वाई इज इक्वल टू समथिंग ये थी समीकरण मन रख एक्स इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो ये हूँ तार समाधान ये सब बड़े आसो सर्ट क्वेश्चन बहुत समय पड़े एक मार्क तेणु तुम ये क्वेश्चन देखला मैंने धड़पुणी से जीरो जीरो बसईदेव एवं देख ये भी आम समीकरण मानटा जीरो जीरो आसो तेणु यटा को आम टे सर्ट क्वेश्चन जेहेतु पढ़ुची तुम मन पकईदे तुम्हें से अंक गुड़ को देख आउ समाधान कर। अच्छा ये बर्तन है समीकरण एक आई बर्तन कौन करवा आम सहग सामान कहार सहग को सामान करवा देखा जदि एक्स रहग को सामान करवा रुट फाइव टे गुणा ये रुट टू टे गुणा जदि वाई रहग को सामान करवा रुट टू टे गुणा ये रुट थ्री टे गुणा तेणु देख आम जो वाई रहग को सामान कराऊँगी तेणु ये रुट थ्री गुणा ये रुट टू गुणा तेल समीकरण एक सर्ट लिखिद समीकरण एक रुट टू गुणी ओ समीकरण दुई रे रुट थ्री गुणी वियोग कले वियोग कले ताले वियोग करवा कौन देख बर्तन समीकरण एक रे केते गुणले समीकरण एक रे रुट टू गुणवा कौन पाइले देख ये रुट टू इंटू रुट टू है टू एक्स प्लस रुट थ्री रुट टू गुण दे रुट सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो बर्तमान समीकरण दुई रे आम गुणवा के रुट टू परिवर्तन ये के गुणा कही रुट थ्री गुणवा ये रुट थ्री गुणले यहाँ जो रुट फिफ्टीन एक्स रुट थ्री गुण रुट टू सिक्स वाई इक्वल टू जीरो बर्तमान वियोग करवा तेणु वियोग कला मैंने सब चिन्ह बदली गला तो ये बर्तमान प्लस सिक्स वाई माइनस रुट सिक्स रुट सिक्स वाई माइनस रुट सिक्स वाई कटिगला तेणु एला के टू एक्स माइनस रुट फिफ्टीन एक्स इक्वल टू जीरो बर्तमान एक्स कमन नहीं गले टू माइनस रुट फिफ्टीन इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो बै टू माइनस रुट फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। देख पाने एक्स रूल्य आम पाईगले केज है बर्तमान कौन गोटी उपस्थापन करवा तेणु जेकोसी गोटे समीकरण स्थापन करवा वन कर कि टू्रे कर तुम्हें जो कल चल वन करदे तुम्हें टू्रे कर भेरीफाए कर देखिपर जे ठीक अच्छे कि ना। तो ये प्रश्न समाधान करुटाक भल भाव ध्यान दि समीकरण एक स्थापन करवा जदि तेल एक है रुट टू एक्स प्लस रुट थ्री वाई इक्वल टू जीरो सो रुट टू एक्स एक्स है जीरो तो रुट टू इंटु जीरो प्लस रुट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाय रुट टू इंटु जीरो है जीरो प्लस रुट थ्री वाई इक्वल टू जीरो तेणु वाई के तेज़ रुट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू जीरो बै रुट थ्री ये भी जीरो होगा तेणु अत एक्स मान जीरो और वाई मान जीरो। देख पाने ये जीरो जीरो है उत्तर बहुत सहज किंतु ये सर्ट क्वेश्चन बहुत समय पड़े मन रख पाने जोटि सी वाटा ना सी वा जीरो अच्छी सी टू जीरो अच्छी से आम आखि बुझिकी जीरो जीरो समाधान टी लिखिदेले भी आम ठीक हम एवं से आम फुल मार्क पाइबा ये क्वेश्चन नंबर बी देन आम आसवा क्वेश्चन नंबर बी आउ गोटे प्रश्न मुझे नहीं पाने
तुम टिके ध्यान दियो जमे तुम्हारा डाउट न रहा मुझे अनुसार तुम क्वेश्चन गुड़ा चूज करछी तेणु चेष्टा कर जदि भी डाउट रोची ताले मते फोन करके जनाओ किंबा मते कमेंट बॉक्स रे लिखी जनइले मु तुम्हार प्रश्न गुड़िकर समाधान करी पिलामने आदो भूलिबो नै वीडियो गुड़ी को पूरा देखिया को भूलिबो नै एवं सब्सक्राइब करिया को भूलिबो नै एवं सांग मानु कहिबो से माने सब्सक्राइब करिवे सब्सक्राइब करले कोन हबो ना जेतेबेले जो वीडियो गुड़ी को छाड़ूची से तुम पाखरे पहुँच पारिबो एवं तुम तार सठिक उत्तर करी परीक्षा पई तुम भल करिया चेष्टा करिबो। सो ये बर्तमान पे भी क्वेश्चन नंबर टू रि फिफ्थ बिट नहीं फिफ्थ बिट्रे समीकरण दुटा एमती थी मुझा नबार उद्देश्य तीन पाँच संख्या ना ए बी सी अच्छी तेणु से अंकटी को चूज करें कौन करवा देखा आम क्या अपसारण करवा तेणु ये समीकरण दुई अच्छी ताको आम दुई एटी न देखिए गोटे सरल करी आम दुई लिखिद एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी ए प्लस माइनस सीटा सेपट गला यटा को इक्वेशन टू नहीं गले आमको सुविधा हे जो कन्स्टाट आम डाण पटक नहीं ना भी असु मानने कर तुम्हें कितु एपटे करदे सुविधा हे बर्तमान देखिए क्या सामान करवा बर्तमान जदि आम एक्स को सामान करने चाहिबा तेल समीकरण दुई रे ए गुणीबा तेल लिखा समीकरण दुई रे ए गुणी समीकरण दुई रु एक रु वियोग कले कियोग कहीं करवा ना उभय सेम साइन अच्छी ये प्लस अच्छी ये प्लस अच्छी तो आम वियोग पड़ो तेणु आम लिखा समीकरण एक रु वियोग आग एक लिखिद एक्स प्लस बी वाई इजिक्वाल टू जीरो ये आम ए गुणीबा ताले ये समीकरण एक ताले समीकरण दुई रे आम गुणीबा के गुणीबा तो ये गला एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए सी देख पाने कौन करती ए गुणदे ए गुणदे या छाड़देवे जोटा कि भूल जाए जोबले आम समीकरण गुणुं तार प्रत्येक पदर आम से निर्दिष्ट संख्याटे गुणवा तेणु ये बर्तमान वियोग कला बेले कौन हम ये प्लसटा माइनस होगा ए प्लसटा माइनस होगा ए प्लसटा माइनस होगा बर्तमान देख ये प्लस एक्स माइनस एक्स कटिगला ये रहा बी वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए सी सो दैट इम्प्लाइज वाई जदि कमन हो जा बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए सी बाय माइनस ए सी सो दैट इम्प्लाइज एटी प्लस सी थिला ना माइनस सी थिला देख पाने माइनस सी थिला ठीक अच्छे सो एनीवे बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए सी बाय बी माइनस ए तेणु ये माइनस टी उठापू ए सी लिखिदे कि ए बी माइनस ए बामती लिखिदे भी हम माइनस ए माइनस बी करदे ये माइनस माइनस करदे पार ए सी बाय ए माइनस बी ये वाई रान मन रख पे ए सी बाय ए माइनस बी ये वाई रान बर्तमान आम समीकरण कौट बसवा आम दुई रे बसईदे आमको सुविधा हे आम दुईटा छोट छोट अच्छी फिगर आम गुणागुणी कम काम करा पड़ो तेणु आम दुई रे सब्स्टिट्यूट करदे भल हम तो समीकरण दुई रे एक्स मान स्थापन कले ना वाई रान स्थापन कले सरी ये वाई बाहर कर वाई रान स्थापन कले ते आम कौन करवा समीकरण दुई नहीं जा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी तो वाई रान पाई एक्स प्लस ए सी बाय ए माइनस बी इक्वल टू सी सो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू सी माइनस ए सी बाय ए माइनस बी तो लस आगे नहीं जा ए माइनस बी सो ये गला गुणी देले ए सी माइनस बी सी ये गला माइनस ए सी बाय ए माइनस बी एसी एसी कटिगला प्लस एसी माइनस एसी तो इज इक्वल टू पाइले के माइनस बी सी बाय ए माइनस बी टाक आम पुणी माइनस टे गुण देखिए बी माइनस ए कर कहीं माइनस माइनस को उभय कैनसल कर पाइले बी सी बाय बी माइनस ए ये पाने एक्स रान अथवा एक्स रान बी सी बाय बी माइनस ए और वाई रान होगा के सी बाय ए माइनस बी
ए बहर उत्तर भूल अच्छी पे मैंने देखीदेव यू तुम करेक्शन कर आपको भल भाव भेरीफाए कर सारापर तुम उत्तर को जो दे बहरे आम चेज करदे पार सो ये तार उत्तर पे ये दिस इज ऑल अबाउट योर एलिमिनेशन प्रोसीजर अपसारण प्रणाली केमती आम समाधान करवा से देख पाने मोर चैनल को सब्सक्राइब कर भूलिनी एवं वीडियो गुड़ी को शेयर करो लाइक करो शेयर कर पठाओ से माने भी यार सुजोग नियंतु एवं बहुत बहुत धन्यवाद मोर चैनल को देखुथिबारु एवं परवर्ती समय पुणी अन्य अंक नहीं कि मु नेक्स्ट वीडियो आसीबी बहुत बहुत धन्यवाद रही बाय बाय।